बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पवैया मोड़ के पास आज शनिवार की दोपहर दो बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार अमित पुत्र रामदास 18 वर्ष निवासी परसेंटा सिंहपुर, शिरोमणी पुत्र रामदास 26 वर्ष निवासी मांझीवा, अंकित सिंह पुत्र विपिन सिंह निवासी छिंडोलर, गोलू पुत्र सहदेव उम्र 18 वर्ष निवासी लालपुर फतेहपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा चारों घायलों को सीएचसी बबेरू लेकर जा रहे थे, तभी भदेहदू गांव के बीचों बीच बाइक सवार नारायण पुत्र देवी दयाल उम्र 40 वर्ष को एम्बुलेंस ने टक्कर मार दिया, जिससे कुल 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची अन्य एम्बुलेंस व बबेरू कोतवाली पुलिस के द्वारा पांचों घायलों को सीएचसी बबेरू पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद पांचों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। लेके आए थे, क्या मामला है? देखिए, बबेरू और ओरन के मध्य में पवैया स्टाफ में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें से दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, उनके पैरों की हड्डियां चिटक गई हैं कट कट करके, और दो लोग घायल हैं लेकिन ठीक है। सभी चारों मरीजों को और एक कायल का एक्सीडेंट हुआ है, उनमें 5 मरीज हैं, जो कि 4 मरीजों को एम्बुलेंस लेके आ रही थी तो उस एम्बुलेंस से एक घटना हो गई है, वो 5वां मरीज कायल का है। 5ों लोगों को यहाँ बबेरू से रिफर करा करके बांदा भेजा गया है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी हो सके उनकी मदद की जाए और उनकी जान। क्या नाम है आपका? पीसी पटेल, जनसेवक। सर, 5 लोगों को एडमिट कराया गया था, क्या मामला है? अमित सनफ रामदास उम्र 18 साल निवासी परसेटा, सिरोमन सनफ रामदास उम्र 26 साल निवासी मझीवा, गोलू सनफ सहदेव उम्र 18 साल निवासी लालपुर, अंकित सनफ विपिन सिंह उम्र 17 साल निवासी छिलोरर, नारायण सनफ देवी दयाल निवासी कायल। इन लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में लाया गया, मेरे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, इनकी हालत गंभीर थी, जिसके चलते इनको बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है प्राथमिक उपचार करने के बाद। परिजनों के द्वारा क्या बताया गया? परिजनों के द्वारा बताया गया इनका एक्सीडेंट हुआ है।